प्रीतम सिंह लोधी के भाषण का वीडियो वायरल होने से पूरे प्रदेश में विवाद खड़ा हो गया है। अलग अलग थानों में FIR और धमकियों भरे वीडियो सामने आने के बाद प्रीतम सिंह लोधी सोमवार को लाखों लोगों की भीड़ के साथ पिछोर थाने पहुंचे। शिकायती आवेदन पर दो शिक्षकों के खिलाफ पिछोर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ब्राह्मण समाज के विरोध और FIR दर्ज कराने के बाद प्रीतम सिंह लोधी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, लेकिन विरोध जारी रहने से भाजपा ने प्रीतम सिंह लोधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने भीम आर्मी ज्वाइन कर लिया है। इस बीच लोधी समाज के लोग भी सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट डालकर प्रीतम सिंह के पक्ष में आने लगे। OBC, SC, ST सभी लोग उनका साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर साथ निभाने की बोल रहे हैं। इसके बाद भी अरुण मिश्रा के मुर्दाबाद के नारे लगाए और उनके घर पर बुलडोजर चलवाओ, इसके साथ ही प्रीतम भैया जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामू राजपूत है। अच्छा, आप ये बताइए, आज जो आपने जो पुतला जलाया है, ये किसका जलाया है? हमने अरुण मिश्रा का जलाया है, क्योंकि इसने 11 साल की लड़की का इसने रेप किया था। वो क्या खेतों में गाय घास भगाने के लिए गई थी, इसलिए इसने छेड़ लिया और इसको रेप कर दिया। अच्छा, आप ये बताइए, पुतला दहन करने का वैसे मेन उद्देश्य क्या है? केवल हम ये चाहते हैं कि इसको फांसी हो, बलात्कारियों को फांसी हो, चाहे वो किसी समाज का हो, कोई भी हो। हम तो यही चाहते हैं कि जो ऐसे काम कर रहे हैं उनको फांसी हो। चलो ठीक है। पाखंड के खिलाफ है, हम लोग पाखंड के खिलाफ है और इसकी लड़ाई जो हमारे प्रीतम भैया ने क्रांति की शुरुआत कर दी है, इसका हम लोग बहुत खूब दमखम से पुरजोर समर्थन करते हैं। एक बार जोरदार बोले प्रीतम लोधी। उपस्थित यहाँ पर सभी लोगों का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।